ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, लेकिन आज हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, मतलब नेगेटिवली या पॉजिटिवली, उनकी फेवर में या उसके अगेंस्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं इनको जूम कर देता हूँ। ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अफेक्ट होती है, जिसमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसमें डिमांड फॉर गुड्स है, जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस है, जिसमें एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फिडेंस है, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है। ये सिक्स बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो के मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन हर एक फैक्टर को हम अंडरस्टैंड करें कि इसका क्या मतलब बनता है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझते हैं। इफ चीप कैपिटल इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये कि आपको जो कैपिटल, जो रुपया, पैसा, जो लोन आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है, वो चीप कैपिटल है। इफ या फिर अगर मशीनरी वगैरह आप खरीदते हैं तो वो भी आपको सस्ते में मिलती है। तो इफ चीप कैपिटल इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकम मोर अट्रैक्टिव। जाहिर सी बात है, अगर आपको सस्ता कैपिटल अवेलेबल है तो ज्यादा फिर वो लोग की मतलब फाइनेंशियल पावर वीक भी है, वो भी इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस करते हैं। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बड़ी अफेक्ट करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को। इसके अलावा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स की हमने बात की। इफ मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज्ड, अगर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज कर जाता है, देन द नेट रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विल फॉल। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेट आपको रेवेन्यू आ रहा होता है, रिटर्न आ रही होती है, रिड्यूसिंग द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। और दूसरा जो था वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ टैक्स, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। इसके बाद वाली स्लाइड आई एम गोइंग टू शेयर यू वेट अ व्हाइल टिल आई एम गोइंग टू शेयर यू, दिस इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो देखो, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं, जो तब्दीलियां आती, मतलब टेक्नोलॉजी पहले से इंप्रूव हो जाती है या पहले से बैकवर्ड में चली जाती है, तो इसकी वजह से भी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? इनोवेशन इन प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है कि नई से नई ईजादात आ जाती है, ऐसी मशीनरी आपके पास आ जाती है जिसकी वजह से आप कम रॉ मटेरियल को खर्च करके ज्यादा अच्छी और एफिशिएंट प्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो इनोवेशन इन प्रोडक्ट ये चीज होती है। इनोवेशन इन प्रोडक्ट और प्रोसेसेस में इंक्रीज द पोटेंशियल साइज ऑफ मार्केट और हेल्प टू ड्राइव डाउन द कॉस्ट। या तो कॉस्ट कम होती है, जैसे मैंने कहा कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम आती, चूंकि अच्छी मशीनरी होती है तो वेस्टेज कम करती है और कम बिजली लेकर ज्यादा प्रोडक्शन देती है, तो इसकी वजह से आपके मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ज्यादा होती है। समझ गए आप बात? कॉस्ट के अलावा द थिंग, लुक एट इट, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, भाई जो चीजें इन्वेस्ट करके जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, अगर उनकी डिमांड बढ़ जाए, उनकी उन सर्विसेज की, उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाए, टेस्ट लोगों के और प्रेफरेंसेस लोगों की चेंज हो जाए और वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को ज्यादा बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, देन इंक्रीज इन डिमांड इज लाइकली टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है लोगों की ज्यादा बढ़ती है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी फिर इंक्रीज होती है, वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करें क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुकी होती है। ये समझ गया बात? टेक्नोलॉजिकल चेंज मैंने ऑलरेडी आपको कर दी। नाउ वन थिंग मोर, एंड दैट इज एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्फिडेंस। अगर लोग ये बिलीव करना शुरू कर दें कि ग्रोथ जो होती है इकोनॉमी में इज स्लोइंग,
एंड अनएम्प्लॉयमेंट मे राइज इन द फिजिबल फ्यूचर, यानी आने वाले फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में ये हो जाए कि ये स्लो होने जा रही है, देन डिमांड इन इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर जो डिमांड है वो श्रिंक हो सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ सकती है. इफ बिजनेस कॉन्फिडेंस इज लो देन फर्म्स आर लेस लाइकली टू इन्वेस्ट इन इंक्रीज कैपेसिटी एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जब लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस आ जाए कि बिजनेस की जो रफ्तार है वो कम होने जा रही है, तो जारी बात है वो फिर क्या करते हैं, वो अपनी अपनी जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसको वो कम कर देते हैं. तो ये 5 से 6 ऐसे फैक्टर्स मैंने आपको बताए जो मार्जिनल एफिशिएंट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं. इसमें डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे लाजमी पूछें. मैं ये ग्राफ था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, लास्ट टाइम जो मैंने शो किया था वो इस तरह का था, तो जिसकी नेगेटिव स्लोप बनती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ये आज मैं आइडिया आपको देना चाहता था. अब आपका बेटा कोई सवाल है काइंडली तो आप कोई क्वेश्चन कर लें. हाँ, प्रैक्टिकली जो फर्म्स हैं वो क्या करती, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी. या एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल इंटरेस्ट रेट का आपस में ताल्लुक क्या है. एक जो इन्वेस्टर है व्हाइल टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब वो इन्वेस्टमेंट में डिसीजन ले रहा होता है, मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. दो चीजों को देखता है, एक तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को देखता है कि उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है, और दूसरा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखता है जो बैंक लोन दे रहे होते हैं कि बैंक जो है उस कर्जे के ऊपर कितना वो चार्ज कर. ठीक है, कंपेयर करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर करने के बाद आप देखिएगा व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लाइक दैट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहां पे इन्वेस्टर मेक्स मोर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है किसमें, कैपिटल में. When rate of interest is more than marginal efficiency of capital, यानी ये condition होती है, rate of interest is greater than marginal efficiency of capital, no investment will be made. तो जो investor है वो investment नहीं करेगा. When rate of interest is equal to marginal efficiency of capital, जो तीसरी condition है, investor stop making any more investment, तो तब भी ज़्यादा invest करने को investor है रोक दे. ये कंक्लूडरी जो इन्वेस्टर है, एक कंक्लूडरी मतलब ये एक एनालिसिस है कि कब क्या होता है, वो अपनी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कंपेयर करता है किस साथ, रेट इंटरेस्ट के साथ, और अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो तो फिर वो इन्वेस्ट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो तो फिर वो उसमें कैपिटल में इन्वेस्ट कर देता है. एक एग्जाम्पल मैंने एक मिनट की शो करनी आपको, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसको आप देख लें. आप लेट करें सपोज दैट के प्राइस ऑफ मशीन इज 30,000 की मशीन है, ड्यूरिंग लाइफ ऑफ मशीन इज 10 ईयर और 10 साल उसकी एज है. एज कितनी उसकी, 10 साल एज है मशीन. एक्सपेक्टेड इनकम ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 60,000. तो होगा क्या, टोटल प्रॉफिट ऑफ मशीन 60,000 माइनस 30,000, ठीक है, 60,000 उसकी टोटल इनकम है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस कर देंगे जो उसकी पैसा है, बाकी क्या बच रहा है आपके पास, 30,000 बच रहा है. एवरेज प्रॉफिट पर ईयर अगर निकालेंगे तो 10 उसकी उम्र है, 10 पे आप डिवाइड कर दें, इस पे डिवाइड कर देना है, 10 पे आपने इसको डिवाइड कर देना है, 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक महीने की उसकी जो इनकम है मशीन की कितनी आ जाएगी, 3,000 आएगी. अब अगर आप इसका रेट निकालें यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकालें तो 3,000 डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये आ रहा है 10% आ रहा है. तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर निकालनी हो तो इस तरह निकालते हैं. अब अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का है वो 7% है, जैसे गवर्नमेंट ने किया हुआ है 5 या 7% है, तो फिर जारी बात है लोग क्या करेंगे, कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक से लोन लेकर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अपना इक्विटी कैपिटल नहीं लगाएंगे. या अगर ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अभी 10% आ रही है
तो और रेट ऑफ जो बैंक का है वो 10% से ज्यादा है, 11-12% है। तो जाहिर बात है लोग बैंकों से कर्जा नहीं लेंगे बल्कि अपने इक्विटी कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू के कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को? इज इट क्लियर बेटा? सर आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक ओपन के अपना क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वी हैव टू एंड दिस मीटिंग।